तो दोस्तों आज हम बनाएंगे कोहड़े की सब्जी। तो कोहड़ा यानी कुमड़ा, महाराष्ट्र में कुमड़ा बोलते हैं और हमारे बिहार साइड में इसे कोहड़ा बोलते हैं। तो इसको मैं ये छील करके और इधर से साफ करके रखी हूँ, और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे पनीर की तरह, इस तरह से मीडियम साइज में। और इसे काटने के बाद भूनेंगे, भूनते वक्त थोड़ा एक प्याज डालेंगे और बाकी जो मसाले हैं ग्रेवी उसको हम अलग से तैयार करेंगे। और ग्रेवी जो तैयार करेंगे अच्छे से मसाला देकर तैयार करेंगे, क्योंकि ये सब्जी मीठा होता है तो उसमें हम अदरक लहसुन मिर्ची प्याज टमाटर सभी चीज़ों को डालेंगे, साथ में कुछ मसाले भून कर डालेंगे। तो इस तरह से ग्रेवी तैयार करेंगे और इसमें मीठा कुछ भी नहीं डालेंगे, चीनी या गुड़। तो मैं इसे अच्छे से मसाले वाला सब्जी बनाऊंगी, पनीर की तरह ग्रेवी वाली सब्जी। तो मसालों को आइए देख लेते हैं। इसके लिए मसाला तैयार करेंगे तो ये गरम मसाला और हींग है, जब भूनते वक्त इसे हम डालेंगे। और ये है खसखस, खसखस हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो ये 2 चम्मच है। ये खड़ा धनिया है और ये थोड़ा मेथी और जीरा है, साथ में इमली का पानी है भिगाया हुआ है। आप चाहें तो इसके जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा नारियल, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सब को भून देंगे। और ये प्याज, 2 प्याज और 2 टमाटर है, इनको भी भून कर इसे अलग पीसेंगे और इन सबको एक साथ पीसेंगे। तो सबको भून देंगे, इससे क्या होगा कि तेल कम लगेगा और सब मसाला जो हमारा है ग्रेवी के लिए, ग्रेवी अगर आप कच्चा भून कर और कच्चे पीस कर फिर भूनते हैं तो तेल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे तेल भी कम यूज़ करना है ताकि सब्जी हमारी हेल्दी बने। तो इन सब को हम पहले भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम गोल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इतना तैयारी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे तेल गरम करके थोड़ा सा मैंने जीरा डाल रखा है और जीरा ब्राउन हो गया तो फिर हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे और उसके बाद डालेंगे प्याज। मेथी का दाना तो पहले मैं भून कर पीस चुकी हूँ, उसके बाद हम डाल देंगे कोहड़ा और इसे थोड़ा सा भूनते हैं, हल्का ब्राउन, ब्राउन तो नहीं पर 2-3 मिनट भूनते हैं इसे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा गरम मसाला और हींग जो साथ में है, इनको भी थोड़े देर भून लेते हैं। और फिर इसमें हम डाल देंगे इमली का पानी। उसके बाद ये इमली का पानी, ताकि इसका घोड़े का फ्लेवर जो है, अपना स्वाद जो है वो बदल जाए। इमली को अच्छे से मैश करके डालिएगा। अब और इसके बाद जब इसका पानी सूख जाए, अब देख रहे हैं कि पानी सूख गया तो घोड़े का जो टेस्ट है काफ़ी, अपना जो उसका टेस्ट है उससे बदल जाता है। तो अब हमारे पास जो भुना हुआ मसाला पीस कर मैं रखी हूँ वो डाल देंगे, और साथ में जो प्याज और टमाटर का ग्रेवी है उसको भी डाल देंगे। और डालकर इसके बाद हम डालेंगे नमक ताकि सबका स्वाद। और इसमें डाल देते हैं ये टमाटर और प्याज का जो पेस्ट तैयार किया हुआ है, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और आप चाहें तो इसमें सांभर पत्ता डाल सकते हैं, इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल रखा है तो मुझे एक ही, या तो कड़ी पत्ता का फ्लेवर अच्छा लगता है या तो धनिया पत्ता। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे 2 मिनट ढक कर पकने देंगे जिससे कि अच्छे से पक जाए। और इस तरह से सब्जी अच्छे से तैयार हो गई। अभी गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे
और आप इसे पूड़ी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और इस तरीके से ये कोहणे का सब्जी तैयार हो गया। ये पका हुआ कोहणा था तो इसे थोड़ा सा पकाने में टाइम लग जाता है। अगर जल्दी पकाना हो तो आप कुकर में एक सीटी लगा कर पका सकते हैं, जिससे कि ये सब्जी का जो पीस है खड़ा ही दिखेगा और अच्छे से पक भी जाएगा। तो और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से। तो कोहणे की सब्जी आप इस तरीके से बनाएं और पूरे परिवार के साथ खाएं। थैंक यू।